हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, काफी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वीडियो की, ठीक है। तो फाइनली मैंने सोचा अब इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट ही कर दिया जाए, इसलिए मैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पहचाने कैसे, ठीक है। कन्वर्जन भी बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा, डिटेल वीडियो रहेगी। बट पहले हम लोग बेसिक तो समझ लें कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो टाइप के वर्ब से, फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। दो टाइप के वर्ब होते हैं, याद रखो, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ग्रामर में आप जितना ज्यादा एग्जांपल्स को रिफर करोगे उतना ही बेहतर तरीके से वो आपको समझेगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल्स भी इसमें बढ़िया बढ़िया दूंगा। फाइनाइट वर्ब, अब फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच शोज टेंस एज वेल एज सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो आपको टेंस भी शो करेगा और सब्जेक्ट भी शो करेगा, ठीक है, जैसे नॉर्मल सेंटेंस आप बोल सकते हो। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब, ठीक है, दोनों के दोनों वर्ब है, बट दोनों वर्ब में काफी कर्ब है, विच डज नॉट शोज टेंस और सब्जेक्ट। मतलब इसका कुछ नाता ही नहीं रहेगा, टेंस कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कुछ नहीं नाता रहेगा, ठीक है, खाली ऐसे ही आ जाएगा बस, ठीक है। तो एग्जांपल उठाते हैं, सबसे पहला एग्जांपल, व्हाइल रनिंग ही फेल। कितने वर्ब हैं इसमें, दो वर्ब हैं, कौन कौन से, एक है रनिंग, एक है फेल, ठीक है। तो इसमें फेल है फाइनाइट वर्ब, रनिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब समझ ही गए होगे आप लोग कैसे, नहीं समझा बताता। व्हाइल रनिंग, अब व्हाइल रनिंग को ध्यान से देखो, इसमें कोई टेंस दिख रहा है, टेंस ही नहीं है, है ना, कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब ये नॉन फाइनाइट है। ही फेल, ही फेल में सब्जेक्ट कौन है, ही, अरे सब्जेक्ट जानते हो ना, सब्जेक्ट मतलब नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है या फिर उसकी जगह उसका प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो फेल क्या है, फेल, ही फेल, ही फेल कौन से टाइप का टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मीन्स इट इज अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक और एग्जांपल, एक से तो काम चलता नहीं है हमारा, ठीक है, द मिल्कमैन रैन टू द स्टोर टू गेट अ गैलन ऑफ मिल्क। कितने वर्ब हैं, एक गेट है और एक रैन है, कौन फाइनाइट है कौन नॉन फाइनाइट है, रैन रिलेशन दिखा रहा है मैन से, और रैन जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब ये है फाइनाइट वर्ब। अब गेट्स क्या है, ठीक है, एंड गेट्स अ गैलन ऑफ मिल्क। अब गेट्स के सामने आगे पीछे कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही कोई ये टेंस दिखा रहा है, गेट लिखा होता तो भी ये नॉन फाइनाइट ही होता, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आप बोल रहे हो कि सिखाना क्या है और सिखा क्या रहे हो, देखो ऐसा है कि इसका बहुत बड़ा रिश्ता है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, तो ये काफी जरूरी है आपके लिए। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अगर आपको समझ में आ गया है तो नॉन फाइनाइट को ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, फाइनाइट समझ लो क्योंकि उसका काम है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था, जैसे एग्जाम में आया तो आप लोग लिख सको। अब मैं आपको बताता हूँ दो और खास बातें, ठीक है, उसके बाद टॉपिक आपको यूं आ जाएगा, ठीक है। हम लोग दो चीजें समझते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट, अब दूसरे का नाम तो याद आ ही गया होगा, कौन, सबऑर्डिनेट। ये दो समझ में आ गया ना तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यूं अभी चुटकियों में आपको आ जाएगा, बस मैं उसका डेफिनेशन लिखूंगा, आप बोलोगे अरे अरे एकदम आ गया, बस एग्जांपल्स दे दीजिए काम हो जाएगा, वही करने भी। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आपकी तैयार कर दी है सबऑर्डिनेटर की, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटर याद करने के लिए कोडवर्ड याद कर लीजिए, व्हाट्स, ठीक है, व्हाट, बाइट, अस, ये कोडवर्ड याद रख लेंगे तो सब याद हो जाएगा। यहाँ से एस निकाल दीजिए, ठीक है, वो डब्ल्यू से देख लीजिए, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, व्हेयर, व्हेयरएवर, एच से हाउ, हाउएवर, ठीक है,
ऐसे एज इफ आफ्टर ऑल दो एज लॉन्ग एज एज सुन एज टी से दो बी से बिकॉज बिफोर आई से इफ टी से दो ठीक है दो दोनों जगह मैंने इसलिए लगाया ताकि कुछ सेंटेंस बने है ना वरना कोड वर्ड नहीं बनता टी से दोनों जगह दो आएगा ठीक है ई से इवन दो ऑल दो ठीक है सब जितने टाइप के दो हैं सब आते हैं इसमें सब ऑर्डिनेट इसमें ई इवन दो यू अंटिल अनलेस एस से आ गया सिंस तो ये कोड वर्ड याद कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा आ जाएगा ठीक है अब छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ और आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पहचानने चुटकियों में आ जाएगा ठीक है तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ फिर इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग कर लेंगे सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है बात खत्म कंपाउंड ठीक है चोरी छुपे नहीं लिख रहा हूँ वरना बोलोगे कैमरा ऑफ करके आप चोरी छुपे लिख लेते हो इवेंचुअली देखो स्क्रीन पे जब पढ़ाता था तो जल्दी हो जाता था क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिख के रखता था इधर लिखना पड़ता है तो टाइम ज्यादा लग जाता है ना हाँ कंपाउंड सेंटेंस इट हैज वन और मोर फाइनाइट वर्ब एक या एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होंगे और साथ ही में एक कोऑर्डिनेटर होगा ठीक है वन और मोर फाइनाइट वर्ब एंड अ कोऑर्डिनेटर एक कोऑर्डिनेटर होगा अब इसमें कोऑर्डिनेटर है एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है तो कॉम्प्लेक्स में तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा बोलो क्या होगा अरे बोल दो आवाज नहीं आ रही है इट हैज वन और मोर फाइनाइट वर्ब एंड आ अब तो समझ गए होगे सबॉर्डिनेटर ठीक है एक सबॉर्डिनेटर होगा इसमें एक कोऑर्डिनेटर होगा इसमें सिर्फ फाइनाइट वर्ब होगा ठीक है सिंपली समझना चाहते हो तो ये एक सिंपल सेंटेंस होगा इसमें एक कोऑर्डिनेटर दिख जाएगा इसमें एक सबॉर्डिनेटर दिख जाएगा डीप में जाना चाहते हो तो फाइनाइट वर्ब को भी लगे इतना समझ लो बस इसमें कोऑर्डिनेटर इसमें सबॉर्डिनेटर इसमें कुछ नहीं मेनली तो आपके सामने इतने 15 क्वेश्चन आ गए तो अब आपको बताना है कि कौन सा क्या है ठीक है मैं शॉर्ट में लिखूंगा पहले आप बताइए चलिए पहला वाला ही इज वेरी स्मार्ट एंड नोज एवरी आंसर एंड आया तो इसका मतलब ये है कंपाउंड कंपाउंड का मालूम है ना आपको कंपाउंड में एंड सो और येट ठीक है उस लिस्ट में एक येट को भी ऐड कर लेना हाँ गिव मी बुक एज सोन अरे एज आ गया ना तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है सीधी बात खत्म आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक आई डोंट वॉन्ट टू ईट बीच में फुल स्टॉप आ गया है फुल स्टॉप का मतलब एंड होता है मतलब फुल स्टॉप को हटाएं तो हम एंड यूज करेंगे ठीक है तो इसको आप लोग कंपाउंड बोल सकते हो खैर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं मैंने जानबूझ के ऐसा उठा लिया आई डांस्ड इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है मतलब कुछ नहीं है इसमें ना कोऑर्डिनेटर ना सबॉर्डिनेटर बिकॉज ही इज लेट ही विल गेट पनिशमेंट बिकॉज आ गया ना व्हाट बाइट अस बी से क्या था बिकॉज तो इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स ओके रीड द डायरेक्शन सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहा है सिंपल है डायरेक्शन आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी सिंस व्हाट बाइट अस एस से क्या था सिंस ठीक है सिंस स्टिल ये सब तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स द कार टर्न्ड द कॉर्नर कुछ नहीं है इसका मतलब ये सिंपल है ना खाली एक फाइनाइट वर्ब है टर्न्ड ही इज फेमस येट आया ना इसका मतलब ये कंपाउंड ठीक है कंपाउंड में येट आता है आई एम सॉरी सिंपल माफ किया आई रियली वॉन्ट टू गो स्कूल बट मतलब कंपाउंड वाइल मतलब सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स वाइल आया वाइल मतलब सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स ठीक है कितना इजिली हो रहा है देखो अर्शद रैन इन सर्कुलर पाथ सीधा सीधा सिंपल है ना रैन नाम का एक सिर्फ फाइनाइट वर्ड है आई यूज टू बी चैंपियन बट मतलब कंपाउंड व्हेनेवर आया ना ले कॉम्प्लेक्स आई होप अब आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद पहचानने आ गया होगा इन क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए कोड वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए ठीक है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको तुरंत के तुरंत पहचान सके ठीक है आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी थैंक यू सो मच